सस्ता नशा है और नशा भी सही हो जाता है। कौन सा नशा? ये इंजेक्शन का। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? अकबर। अकबर भाई कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के सर। बिहार के रहने वाले? जी सर। तो दिल्ली में कब से आए सर आप? मेरी पैदाइश ही दिल्ली में। मेरे पापा यहाँ पे 35 साल रह के गए, अब वो गाँव में, उनकी सरकारी जॉब लग गई है। आप यहाँ कैसे रह गए? अपने अय्याशी के चक्कर में, नशे के चक्कर में जा नहीं पाए, संगत ऐसी मिल गई, दोस्त यारों के बीच में रह के बिगड़ गए। मैं नशा करता था क्योंकि उस टाइम सुलेशन पीता था। घर वालों ने देखा कि अब ये सुधरने वाला ही नहीं है, तो मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद शादी कर ली मैंने। शादी कर ली? जी, दो बच्चे हैं मेरे। आप पर डे का कितना कमा लेते हो? पर डे के कमा लेता हूँ 1200 रुपये। और काम क्या करते हो? तवाड़े का काम करते हैं। तो ये आँख में क्या हुआ? ये जल गया था उसी इंजेक्शन के ही नशे में, नशा हो गया था ज़्यादा, आग जल रही थी सामने और मुझे कुछ भी होश नहीं था, पूरा शरीर मेरा सुन हो गया था। देखा सबने तो मेरा पूरा चेहरा सर तक पूरा आधा जल गया था। नशा वगैरह कहाँ करते हो? यहीं कहीं भी बैठ जाते हैं, पटरी बहुत बड़ी है, वहाँ अंदर चलो आओ। ये हमारा आसियाना है, खुला जहाँ मर्जी जहाँ रह सकते, लेट सकते, बैठ सकते, मार सकते, पीट सकते है। MCD वालों की दफ्तर हमारा है। कितने रुपए की आती है? ये CC आती है सर 100 रुपए की, और गोली के साथ ये जो गोली डली हुई है इसमें, इसके साथ आती है 200 रुपए की। ये कर दिया छेद इसमें और ये मारा पंप मिक्स। जेल में भी था मैं, नहीं भाई भगवान ना करे ऐसा नशा किसी को लगे। जेल में कैसे गए? पहले स्टेशनों पे काम करते थे हम, जेब वेब काटते थे हम उस टाइम पे। चार बंदों का पर्स बनाया, निकाल भी लिया, सब कुछ कर लिया, गाड़ी से उतर भी गया मैं, खड़ा होके बस मैं देख रहा हूँ। नहीं यार अब भी ठीक सही पड़ रहा है, 1-2 सौदे और कमा लूंगा। अब मुझे नहीं पता है कि पर्स में 48,000 रुपए, लालच में बस मैं उतरा नीचे वापसी, और बहन उधर वाली गेट से घुसा जहाँ से भीड़ नहीं था, बंदा बैग रख रहा था सामान नीचे। अब मैंने उससे रास्ता मांगा ना, जब उनने रास्ता दिया थोड़ा सा आगे बढ़ा नहीं, एकदम खड़ा होके मेरे मोबाइल मेरे बहन का पीछे से मुझे पकड़ लिया उनने, कह रहा तू गया मेरे। अबे मैंने बहन तू बैठा हुआ है, मैं तेरे पीछे से जा रहा हूँ तो तेरा फोन निकाल लूंगा मैं। भाई नहीं माना, कह रहा चल तूने नहीं करी है चोरी, तलाशी दे दे। तलाशी तो मैं जब दूँ, जब उसकी चीज़ मेरे पास हो, उसकी चीज़ तो थी नहीं, जिस जिसके पर्स काटे थे मैंने वो बहन के उसमें ही थे, तो मैं भी फेल गया। मैंने तुम्हारी बहन कौन है बे तू? टीटी है, पुलिस वाला है, केलम है, 150-150 आप बंदे गाड़ी में। भाई उनने तो लिया, तलाशी करा, बहन एक पर्स निकला, उसमें था 16,000 रुपये। उसके मोबाइल के चक्कर में डब्बा पूरा भीला हो गया, कह रहा वो मेरा भी जेब कट गया। वो कह रहा मैं 10 बंदों के जेब कट गए वहाँ, एक मैं ही नहीं वहाँ पे मशीन था, और भी बहुत सारे बंदे होते हैं वहाँ पे काम करने वाले। फिर उनने जैसे चेक करा ना, कह रहा ये तेरा पर्स है? मैं ना तेरा है, चलम भरी करते तेरा ही पर्स है, भाई ये बता कितने पैसे। मैंने इसकी बहन की तो फंस गया, मेरे है ही नहीं तो मैं बताऊँ कहाँ से कितने पैसे हैं। अब भाई इसके बाद में बहन का एक आता पीछे से, हाँ भैया मेरा भी पर्स कट गया। बहन का ये मेरा पर्स, अब वाक्य में बहन के का वही पर्स था। तो उससे पूछा बंदे ने, चल पर्स तेरा कितने रुपए? उनने बताया 16,700 रुपए। सबके सामने पर्स खोला, 16,700 रुपए। हंस गया मैं। अब उसके बाद में बहन का दूसरा और आता है, भाई ये बंदा, ये जेब कतरा, इसको ही पकड़ लो। फिर वहां पकड़ा गया भाई, मैंने पूरी रात मारा मेरे को पब्लिकों ने, जब तक गाड़ी छूट गई। हाँ इलाहाबाद, इलाहाबाद पहुंच गया मैं इसकी बहन को। खास 26 जनवरी को एंट्री मारी थी जेल में मैंने, एक लगा मेरे को आड़गंज से एक मुकदमा लगा मेरे को यहाँ से इलाहाबाद से, उसके बाद 3 महीने काटा वहाँ पे, वहाँ का मुकदमा भरी हो गया मेरा। फिर वहाँ से मेरे को भेज दिया तिहाड़ जेल, वो तो इलाहाबाद की सजा मैंने काटी। फिर इसमें भी 2.5 महीने रह के आया था। अब अपने मेहनत से 2 रोटी खाते हैं, जिद से। पहले क्या था, गलत काम करते थे तो 10 तरीके की डर थी दिल में, अबे कहीं इधर से पुलिस वाला ना पकड़ ले, कोई मुखबरी ना दे दे। भंगी बन के कमाता हूँ, राजा बन के बच्चों को खिलाता हूँ।
तो अगर ये गवर्नमेंट बंद कर दे तो आपकी सहमत क्या है? बहुत अच्छी बात है बंद कर दे तो, इससे मेरी क्या हमारे बहुत भाइयों की जिंदगी बच जाएगी। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो यकीन से कह रहा हूँ बहुत ही बंदे सुधर जाएंगे, क्योंकि चीज़ मिलेगी नहीं तो बंदा करेगा नहीं। ये नशा 15 रमजान तक मैं छोड़ के दिखा दूंगा। रमजान लग गया ये मुबारक, में ना हर किसी को नसीब नहीं होता है। अच्छा लगा हमें कि आपने कहा कि हम नशे से बाहर निकलूंगा जी। 15 दिन बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप नशा छोड़ दोगे, हम अलविदा चाहेंगे, ठीक है? जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल सर, मिलकर अच्छा लगा।